अभी मैं घूम रहा हूँ वृंदावन की गलियों में, और मेरे पैर की थोड़ी हालत ठीक नहीं है, क्या पता क्या रहेगा। अभी मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ भाई, और डॉक्टर से पूछूंगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की सलाह बिना कोई काम करना सही नहीं है। देखते हैं कहीं मिल जाता है डॉक्टर तो पूछेंगे, वरना बाद में देखते हैं आगे क्या। ATM तो भाई लोग अभी फिलहाल प्रेम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और आप देख सकते हो भाई प्रेम मंदिर में कितनी ज़्यादा भीड़ है, अल्टीमेट लेवल की भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इस भीड़ से निकलते निकलाते हम भी प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि प्रेम मंदिर के और वृंदावन के लगभग मंदिर में यही है कि मोबाइल आप अंदर अलाउड नहीं कर सकते हो। बाकी जाके देखते हैं भाई, बाहर से फोटो भी वीडियो बना सकते हैं, वही बना रहे हैं बस। और भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है। फिलहाल जो मैं हूँ प्रेम मंदिर वृंदावन की शहर पे निकला हुआ हूँ, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत रश है, तो सोचता हूँ रात को भी आऊँ एक बार। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। और अभी मैं वृंदावन में घूम रहा हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ भाई भाग्य बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के मंदिर में। चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। अभी ये पता नहीं है भाई कि यहाँ पे अंदर कैमरा फ़ोन अलाउड है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में यहाँ कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं होता है। तो अभी देखते हैं, देखो भीड़ बहुत ज़्यादा। Yeah!
भाई भीड़ का अल्टीमेट लेवल है यहाँ पे, सब धक्का मुक्की चल रही है क्योंकि यहाँ पे जो भगवान के कपाट है वो बस सिर्फ 5 मिनट के लिए खुला जाते हैं। 12 बजे खुले थे, अब सीधे 4 बजे कपाट खुले। तो यहाँ अपने संग्राम भैया आ रहे हैं लंगड़ाते हुए। क्या हुआ? पैर पे इतना भयंकर लगा है। तो भाई संग्राम भैया पूरे के पूरे डैमेज।